हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, कल फोन किए थे शाम में। गुड मॉर्निंग सर सर आज तो बारिश हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मार्कशीट आज स्कूल से नहीं लाए। कल परसों में ये मार्कशीट लाएंगे स्कूल से। सर। और सर एक चीज पूछना था। अच्छा जैसे कि सर मेरे अंकल हैं, अपने मतलब अंकल, उनका अच्छा भी बेटा सर पिछले साल दिसंबर का जो एग्जाम होता है, ये बताइए। बीवर्क का, उसके लिए सर अप्लाई किया था। उसका हाँ एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। अभी सर बहुत मतलब डिप्रेशन में है और सोच रहा है कि सर डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं है। दिसंबर वाले किसी बच्चों का नहीं हुआ है, जल्द ही होने वाला है, हो सकता है जुलाई में हो जाए, तो तो कोई सर ऐसा डिप्रेशन, नहीं ना हाँ कि एग्जाम डिप्रेशन में नहीं जाने हो। की जरूरत नहीं है। 6 महीने तक बोर्ड किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण बंद था, ठीक है, किसी का जी सर, एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसलिए बच्चे से कहिए कि वो डिप्रेशन में ना जाए, जल्द ही एग्जाम होने वाला है, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। और सर एक चीज वो पूछ रहा था, जैसे कि जी सर उसका प्रिपरेशन तो काफी अच्छा है, तो मतलब बोल रहे जी हैं कि 85% 90% इसमें क्या स्कोर कर सकते हैं कि नहीं बीबॉक्स में। देखिए, अगर अच्छा लिखने वाला होगा तो 90% पा सकता है, 85 की तो बातें छोड़िए। मतलब अच्छा, अच्छा स्टूडेंट अच्छा नंबर पाएगा तनका, खराब स्टूडेंट खराब नंबर पाएगा तनका, और बहुत खराब जो बच्चा होगा लिखेगा ही नहीं, वो फेल भी हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे नंबर अच्छा भी लिखो तो नंबर काटता है लुंगी बॉस में, नहीं नहीं ऐसी ये कोई बात। बात, ऐसी कोई बात नहीं, नंबर बढ़िया मिलता है, हर बोर्ड में बढ़िया मिलता है। और रही बात कोई किसी कारणवश अगर मान लिया किसने कि कोई टीचर दिमाग डिस्टर्ब रहा हो, कॉपी चेक करने में गलती कर दिया, तो वो सब तो एक तरह से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसी बोर्ड में हो सकता है। जी जी सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मान लिया कि कोई टीचर काफी जांच रहा है और घर पत्ने पत्ने पर लड़ाई करके आया है, दिमाग डिस्टर्ब है, एक आध दो जी क्वेश्चन क्या सर, क्वेश्चन छूट गया, तो उस और दुर्भाग्यवश आपकी आप ही के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, ठीक जी सर, जी है, तब गलत हो जाता है, वो हर बोर्ड में हो जाता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो 1-2% है, 1-2% बच्चों के साथ हर बोर्ड में ऐसा हो जाता है। वो टीचर के माइंड पर डिपेंड करता है, या हो सकता है कितने कितने की टीचर कुछ दूसरा सोच रहा हो, या हाथ से पलट रहा हो, तो 2 पेज पलट जाए। जी सर, जी हाँ, सर, तो ऐसे में क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसके लिए नियम है कि आप रीचेकिंग करवा लीजिए, रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, और ये सब चीजें करवा सकते हैं कि आप अपना नंबर इम्प्रूव करवा सकते हैं। जी सर। और सर ये प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है क्या? बी बॉस में पूछ रहा होता है, था, होता प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होता है, के असाइनमेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सर। प्राइवेट में जो असाइनमेंट होता है, वह विवोस में असाइनमेंट नहीं होता है, असाइनमेंट होता नहीं, केवल प्रैक्टिकल होता है। तो सर एग्जाम के बाद ये होगा क्या प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होता है, जी सर, मतलब लग और रहा है वो कि ये तो टाइम जुलाई टेबल, तक वो हो टाइम जाए। टेबल आ जाता है, टाइम टेबल में पता चल जाएगा। उसे अधिकांश एग्जाम कितने के बाद ही करवाते हैं, नहीं तो कभी कभी टाइम टेबल में अगर पहले करवा लेते हैं तो पहले हो जाता है, वो डिपेंड करता है बोर्ड की परीक्षा शेड्यूल पर। जी सर, और सर ये टाइम टेबल कब तक आएगा इसका? टाइम टेबल आने वाला ही है, अब देखिए कब तक आ जाता है। जी सर, और सर हमको स्कूल से ये मार्कशीट, ये टीसी, ये सब लाना पड़ेगा ना? कहाँ से? हाँ अरे जो ये करवाना है ना, ये उसमें मेरा हाँ फेल